नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस माई टेक्नो गाइड यूट्यूब चैनल में। हाल ही में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, इस विंग्स एक्स फायर एयरपॉड के ऊपर। ये विंग्स एक्स फायर का एयरफोन है, गेमिंग TWS एयरफोन। इसके ऊपर मैंने हाल ही में वीडियो बनाई थी, बट मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे इसके बारे में कि ये चार्जिंग प्रॉब्लम है, इसमें ये चार्ज नहीं हो रहा ये। और वाकई में अब जो है ये मेरा एक्स विंग का ये ख़राब हो चुका है। वैसे तो मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे, पर अब मेरा भी जो ये एक्स विंग का है ये ख़राब हो चुका है, ये चार्ज नहीं हो रहा। और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में आप इसके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं कि इनमें चार्जिंग प्रॉब्लम है। ये कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली जो है चार्ज नहीं हो रहे, ख़राब हो जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसे एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं ये चार्ज नहीं, ये देखिए, ये सिर्फ इस तरीके से 5 मिनट के लिए ये ऐसे रेड लाइट देगा। और आप देख सकते हैं इसके बीच में एक इंडिकेटर जल रहा है, इसमें सिर्फ ये एक ही इंडिकेटर जलता रहेगा और उसके बाद कुछ सेकंड्स बाद ये बंद हो जाएगा पूरा डब्बा। आप देख सकते हैं ये फिर उसके बाद चार्ज नहीं कर रहेगा इसमें। तो दोस्तों, मैं आपको एक ये चीज़ बोलूँगा कि विंग्स एक्स फायर के ये जो एयरफोन हैं, आप इन्हें बिल्कुल ना ख़रीदें, इन्हें बिल्कुल नहीं ख़रीदना है, क्योंकि ये चार्ज नहीं हो रहे। ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि बहुतों की ये प्रॉब्लम है। चाहे तो कमेंट में पर देख सकते हैं, मेरे इससे पहले वीडियो में बहुतों ने ये कमेंट किया है कि मेरे एयरफोन जो है चार्ज नहीं हो रहे। और वाकई में अब ये मेरे साथ भी हो चुका है कि मेरा जो ये एक्स विंग का है, ये भी मेरा ये ख़राब हो चुका है, ये चार्ज नहीं हो रहा। ये देख सकते हैं सिर्फ एक डंडा दिखा रहा है, फिर उसके बाद ये कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक डंडा दिखा रहा है, उसके बाद फिर चार्ज नहीं हो रहा। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि इसे जो है रिप्लेस करवाना पड़ेगा। यदि आपका जो ये विंग्स एक्स फायर 1 साल की वारंटी के अंडर है, तो इसे तोड़ना मत, इसे तोड़ना फोड़ना मत, इसे जो है तुरंत अपनी वारंटी को क्लेम कीजिए। आप एक्स विंग की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर रजिस्टर कीजिए आप सबसे पहले अपने नाम को, फिर उसके बाद वारंटी क्लेम में जाइए और उसके वारंटी क्लेम कीजिए और इसको तुरंत जो है कंपनी में वापस भिजवा दीजिए। इसे रिप्ले ये जो है इसको ठीक करके देंगे, क्योंकि ये ना तो चार्ज हो रहा है ना कुछ हो रहा है, ये एक डंडे से ऊपर बढ़ नहीं रहा, बस ये इसको चार्ज नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं वो एक डंडे बाद बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि इस विंग्स एक्स फायर को आप बिल्कुल ना लें, आप जो है इसे रिप्लेस करवा दीजिए। यदि आपके पास भी ऐसा है और वो ख़राब हो चुका है, तो उसे आप रिप्लेस करवा दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए ऐसी लेके आता रहूँ।